What's the difference when it takes the same result? So I'm going to tell you the same that class have multiples in a HTML document and ID should be unique. Yes. So what's the difference that And where is the name attributes you are using and name values? So we can write a name values only same type and a difference. what is the use of the name? Okay. So whenever you create It's a form, attributes. तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या यस क्या आता है, हमारा आईडी आता है, नेम आता है, क्लास आता है एंड सो ऑन, जो भी आपके यस एट्रीब्यूट्स होते हैं सबका एक स्पेसिफिक रोल रहता है। जैसे आईडी का क्या रोल रहता है कि वो यूनिक रहती है आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, इट्स अ उसके यूनिक बिहाफ पे आप कंटेंट को गेट कर सकते हैं। अब क्लास क्या होती है, वो मल्टीपल्स रहती है आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। एंड नेम क्या होता है, नेम हम क्यों यूज करते हैं, जब भी आप फॉर्म पढ़ोगे या फिर फॉर्म यूज करोगे आपके एचटीएमएल के अंदर, तो जो भी आप यस इनपुट लोगे या फिर कोई और एलिमेंट का यूज करोगे, उसके अंदर आप जब नेम डालोगे एंड सबमिट करोगे आपके फॉर्म के अंदर, तो बैकएंड के अंदर जो वैल्यू जाएगी तो वो एट्रीब्यूट आपके नेम के अकॉर्डिंग यस जाएगी। कैसे जाएगी, ओके अगर आप सर फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स रहती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। यस ये सारी फील्ड्स रहती है। अब जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो डेटाबेस में जब एंट्री होती है तो इन्हीं एट्रीब्यूट से रिगार्डिंग रहती है। सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है एंड आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, तो नेम रहेगा उसके अंदर, लास्ट नेम रहेगा, डेट डी ओ भी रहेगी। तो डेटाबेस के अंदर जब आप स्टोर करने जाओगे आपके एचटीएमएल के फॉर्म को, तो वो नेम जो आप कंटेंट दोगे उसके अंदर, एट्रीब्यूट दोगे नेम के अंदर, जो भी वैल्यू इट्स अ पास करोगे, टाइटल हाँ इट्स अ टाइटल, तो उस टाइटल के बिहाफ पे ओके आपका डेटा इंसर्ट होगा आपके डेटाबेस में। तो नेम का रोल ये रहता है, ठीक है। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास में क्या डिफरेंस रहता है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको एक ही रिजल्ट देगा क्योंकि वो यूनिक होता है, एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास आपको मल्टीपल रिजल्ट देते हैं जो भी एचटीएमएल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उस पर्टिकुलर क्लास नेम के रिगार्डिंग। तो सपोज अगर आपके पास कोई टास्क है जो कि ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं और वो एक कोलैप्स प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, जिसके यस अंदर आप डेटा को शो और हाइड कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरे एक ही बटन के ओके क्लिक पे सारा डेटा मेरा हाइड हो जाए या फिर शो हो जाए जो भी उस क्लास के रिगार्डिंग। तो ये टास्क आप किसके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय क्लास क्लास के नेम हेल्प से, क्लास नेम से भी कर सकते हो, क्लास से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। बट अगर आप आईडी यूज करोगे तो आईडी के बिहाफ पे आपका कोई एरर रिटर्न नहीं होगा और आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, सर ओके। तो क्लियर है ये, थैंक्स सर यस सर ओके सॉरी, एनीवन एल्स? ओके ओके फाइन, किसी और को कोई डाउट नहीं है? ओके सो अब देखते हैं हम कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके विजिबल है, ठीक यस है। ओके फाइन, तो जैसे ही करोगे आपको ये पूरा के पूरा एस्टिमेट मिल जाएगा। अगर आपको इसका कंटेंट चेंज करना है तो डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ पे आपका कंटेंट आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। अगर आपको इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो,
एक्स को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको इसका कंटेंट चेंज करना है, सपोज अगर आपको लिखना है यहाँ पे है माय सेल्फ नंबर, इनके अंदर पास करो, यहाँ पे आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा डायनेमिकली। चेंज हो गया ये, जी ओके। तो हम जावास्क्रिप्ट जो यूज करते हैं ताकि हम डोम को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी के हेल्प से डोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर उसका कंटेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड्स। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देख लिया आपने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड्स आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का आपका टास्क है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड्स को रीड करना है, ठीक है। क्या क्या होती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस भी मिल जाएगा, रिटर्न द एलिमेंट हैविंग द गिवन आईडी वैल्यू एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन क्लास नेम, ठीक है। तो सभी क्लास से आपको एलिमेंट्स रिटर्न करेगी सेम नेम से, और यहाँ पे यूनिक एलिमेंट आपको रिटर्न होगा, ओके फाइन। यस सर, ओके सर, सो आज आप ये यूज करो, कल से हम इवेंट्स देखेंगे एंड इवेंट्स के बाद हम स्विच हो जाएंगे एरे एंड स्ट्रिंग के ऊपर, वो हम देखेंगे एंड फिर जो भी आपके जेएस के टॉपिक मेजर बचेंगे उनके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करेंगे, ओके सर, ओके फाइन। तो ओके आई सर, हैव टू लीव, तो बाय, हैव अ थैंक ग्रेट डे। यू।